वेलकम डियर फ्रेंड, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो बेसिक टू बेस्ट लेवल तक आपको हम इसका जानकारी देंगे कि मैक्सिमा मिनिमा में क्या टर्म और कंडीशन है और कैसे निकालेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी, एमएससी, आईआईटी एग्जाम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इस टर्म को पूरी डिटेल से, पूरी रूल के साथ हम इसका जानकारी देते हैं कि क्या इसका फॉर्म है। लेकिन इस मैक्सिमा मिनिमा को जानकारी देने से पहले कुछ बेसिक हम जानकारी ये देना चाह रहे हैं कि कुछ टर्म है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो सभी विद्यार्थी कुछ पहले से भी जानते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। देखिएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का टर्म और कंडीशन। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका थोड़ा बेसिक जानकारी देते हैं और पूरी तरीका से जानकारी और बेस्ट तरीका से क्लियर होगा। तो थोड़ा देखते ही इंक्रीजिंग फंक्शन का टर्म और कंडीशन, जैसे अगर हम बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन के लिए, देखिएगा थोड़ा हम एक टर्म और कंडीशन के रूप में देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्सिस पर सबसे पहले एक फंक्शन का टर्म लिया जाएगा जो इंक्रीज कर रहा है। सपोज एक्स एक्सिस अब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये टर्म जो है ये किस फंक्शन का रूप में है? ये टर्म जो सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है, इसका कोई जो है टर्म जो है रुकने का टर्म नहीं है, ठीक है। जैसे एक और हम लेते हैं, एक फंक्शन जो है यहां भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में दिखाते हैं ताकि ये टर्म दिखे कि हाँ ये फॉर्म इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, राइट। देखिए ये फंक्शन का जो फॉर्म है, ये टर्म जो कंडीशन है, देखिए जैसे अगर ये फंक्शन है तो ये जो है इस तरह का फॉर्म, ये डिक्रीज ही कर रहा है टर्म, ठीक है। तो ये कंडीशन इंक्रीज का जो पोजिशन है, जैसे मान लीजिए कोई टेंजेंट लाइन अगर हम खींचते हैं, टेंजेंट लाइन जो खींचते हैं ऐसे, अब टेंजेंट लाइन जो खींचा गया, अब वो टर्म देखिएगा कि इसका जो फॉर्म बना, वो टर्म जो है वो इसका एंगल जो बन रहा है वो क्या है कि जीरो डिग्री यानी 90 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ये 90 से कम यानी एक्यूट एंगल का फॉर्म बनेगा। तो एक्यूट एंगल का जो फॉर्म बनेगा, ये कंडीशन जो है क्या है, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग का पोजीशन में टर्म सेट कर रहा है। तो इस फॉर्म के लिए हम लिख सकते हैं जो टर्म है एफ डैश एक्स वो जीरो से क्या है बड़ा। और इस टर्म में जब देखिए अगर मान लिया हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो ये फॉर्म जो है ऐसा लग रहा है क्या है कि ये 90 डिग्री से अधिक है, यानी ये एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल का टर्म है। ये तो एक्यूट एंगल है और ये है ऑब्ट्यूज एंगल का टर्म है जो 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है जो इस पोजीशन से हम बोलेंगे कि ये 90 डिग्री से अधिक है, और ये अधिक है तो ये टर्म जो है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एफ डैश एक्स वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, राइट। लेकिन कभी एक ऐसा जो पोजीशन होता है, कभी कुछ ऐसा टर्म जो होता है वो टर्म अगर किसी फंक्शन जो टर्म बन रहा है वो इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट भी गया, जैसे ऐसे इंक्रीज गया, कांस्टेंट भी गया, फिर इंक्रीज कर गया, तो ये टर्म जो दिख रहा है क्या कि ये फंक्शन जो टर्म है वो डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, इंक्रीज भी कर रहा है और कांस्टेंट भी है, यानी टर्म जो है इक्वल टू में भी है, तो वो टर्म जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू का टर्म होगा। और यहां भी एक और टर्म हम दिखाते हैं, अगर कोई फंक्शन का कंडीशन, देखिए थोड़ा ये बेसिक जो है ये पहले भी सभी पढ़े होंगे, अगर कोई टर्म जो है ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट गया फिर पूरा डिक्रीज कर गया, तो ये टर्म जो है एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू का फंक्शन होगा, यानी टर्म ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ जो टर्म है वो
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ डैश एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन जीरो से बड़ा और बराबर होगा और जीरो से छोटा होगा और ये जीरो से छोटा और बराबर होगा। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा अगर ये टर्म नहीं जीरो से बड़ा, तो अगर जीरो से बड़ा और बराबर हुआ तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और जब जीरो के बराबर भी हो और बड़ा भी होगा और जो जीरो से छोटा होगा बराबर होगा इसको हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, शॉर्ट डिक्रीजिंग फंक्शन। सब याद कीजिएगा पहला जो 11-12 पढ़े हैं। और जो फंक्शन सिर्फ बड़ा ही होगा बराबर नहीं होगा वो फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन जीरो से छोटा हो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन राइट। तो ये कंडीशन जो है ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी टर्म का अगर स्लोप, स्लोप जिसको हम डी बाई डी एक्स बोलते हैं और एफ डैश एक्स बोलते हैं, अगर स्लोप डायरेक्ट रूप में कि जीरो से अगर बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जीरो के बराबर और बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और जीरो से छोटा हो उसका स्लोप तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और जीरो से छोटा और बराबर हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन राइट। तो ये है हमारा बेसिक का फॉर्म। अब इसमें एक और है, जो फंक्शन कभी जो टर्म है मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन क्या है कि जो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, वैसा टर्म जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा ठीक है, आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग। देखिएगा मोनोटोनिक, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन आइदर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आइदर फंक्शन, आइदर फंक्शन स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, strictly increasing, strictly decreasing, strictly decreasing function, right? वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा, क्लियर है ना। तो अब इस पर हमें क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा पढ़ना क्वेश्चन के रूप दिखाते हैं कि ये फंक्शन जो है, ये तो मैंने दिखाया कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फॉर्म है, और कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा का फॉर्म है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन का टर्म जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब ये फॉर्म है कि हमेशा वो इंक्रीज ही कर रहा है, वो कभी इक्वल टू में नहीं जाएगा, हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है कभी इक्वल टू नहीं जाएगा, लेकिन ये इंक्रीज भी करेगा और इक्वल टू भी होगा, डिक्रीज भी करेगा मैंने लेस देन भी जाएगा और इक्वल टू भी करेगा राइट। चलिए हमें क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन ग्रुप तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस फाइव इन इंटरवल 2,5। देखिए अब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल के बीच में वो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन आ जाएगा तो इंक्रीज कहलाएगा, अगर सिर्फ ग्रेटर देन आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहलाएगा, अगर लेस देन और इक्वल टू आएगा स्लोप तो डिक्रीज करेगा, और अगर ओनली लेस जाएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। देखते हैं इस फंक्शन का टर्म, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन है जैसे एक्स क्यू है, एक्स क्यू का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा राइट,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस इंटरवल के बीच का या इस इंटरवल पर कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसी इंटरवल के बीच कहीं कोई वैल्यू लेते हैं, अगर थ्री लेते हैं, अब थ्री पुट करते हैं तो थ्री का स्क्वायर प्लस वन यहां पे नाइन यानी 27 प्लस 28, या कोई भी टर्म देखिए टू और फाइव के बीच का कोई भी नंबर, या तो टू और फाइव ही अगर हम पुट करते हैं, अगर देखिए कि किस पार्ट में आया तो ये जीरो से बड़ा आया। अब जीरो से जब बड़ा आ रहा है तो ये फंक्शन का जो पार्ट दिख रहा है वो किस में सेट कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन अगर जीरो से बड़ा आ जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, यानी क्या करेगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा, क्लियर है। तो ये इस तरह का फंक्शन है जो सामने दिखा। अब क्वेश्चन जो है ये तो रहा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जो पहले भी पढ़े हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन बनाइए घर से जरूर, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पर टर्म हम बताएंगे। जैसे मान लिया आप लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि एक इंटरवल हम देते हैं, इस इंटरवल में जीरो से टू पाई के बीच में वो फंक्शन कहां से इंक्रीज करेगा और कहां से डिक्रीज करेगा वो बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा, राइट। तो ये है इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंक्शन। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके आगे मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ टर्म और कंडीशन, राइट, इसको नोट कर लीजिए। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस एक ही चीज याद रखना है, याद ये रखना है कि किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन का जो इंटरवल दिया है उस इंटरवल के बीच का टर्म पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखिए कि जीरो से बड़ा जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जीरो से बड़ा और बराबर आए तो इंक्रीजिंग, और अगर जीरो से छोटा आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर जीरो से छोटा और बराबर आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग का आएगा, राइट। तो यही फॉर्म है, कॉन्सेप्ट है। चलिए चलिए अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम का क्या है टर्म और कंडीशन इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसका सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम का टर्म है। देखिए सबसे पहले इसमें हम कुछ टर्म कंडीशन बताते हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ, राइट, और फंक्शन का ग्राफ का कोई टेंजेंट लाइन खींचते हैं, राइट, जो फंक्शन का टेंजेंट लाइन जो स्लोप f' अर्थात डिफरेंशिएशन f'c इक्वल टू जीरो, मतलब स्लोप जो हो वो डिफरेंशिएशन के बराबर क्या मैंने जीरो कर दी। अब डिफरेंशिएशन के बराबर जीरो किया लेकिन फंक्शन का टर्म में एक चीज दिख रहा है कि ये टर्म क्या है कि यहां से स्लोप इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है, और फिर इधर क्या हो रहा है डिग्री, यानी ये टर्म जो है पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और यह क्या हो गया नेगेटिव की ओर टर्म चल रहा है। तो ये टर्म जो है यानी ये फॉर्म जो है इंक्रीज होते हुए यहाँ पे जो जहां पे इसका हाइएस्ट पॉइंट है वो मैक्सिमम टर्म है, फिर क्या करेगा डिक्रीज कर गया, तो ये फंक्शन का जो फॉर्म हुआ ये मैक्सिमम का पोजिशन होगा, क्या हुआ मैक्सिमम, राइट। लेकिन अगर कोई फंक्शन देखिए अगर कोई ग्राफ बनाए और उस फंक्शन का टेंजेंट लाइन उसका डिफरेंशिएट क्या और डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर अर्थात स्लोप जो है जीरो के बराबर मैंने टर्म सेट किया है और वो टर्म देखिए ये जो टर्म आ रहा है वो डिक्रीज करते आ रहा है डिक्रीज और फिर क्या इंक्रीज किया तो डिक्रीज करते आया तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो आया वो इस पॉइंट पर क्या करेगा मिनिमम कहलाएगा। जैसे यहां मैंने बताया कि ये फॉर्म जो है इंक्रीज करते गया और इंक्रीज करते हुए जब गया तो जिस पॉइंट पर हाइएस्ट गया वहां पर मैक्सिमम हो गया बाकी फिर क्या किया डिक्रीज किया तो ये टर्म जो है ना मैक्सिमम कहलाएगा और ये टर्म देखिए यहां से डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है डिक्रीज होते हुए आ रहा है और ये फॉर्म जो है फिर यहां क्या करेगा इंक्रीज करते गया यानी ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म तो ये माइनस से प्लस की ओर जाए तो ये टर्म मिनिमम कहलाएगा क्या कहलाएगा मिनिमम मतलब मिनिमम का फॉर्म है कि माइनस टू माइनस का जो फॉर्म है वो प्लस की ओर जाए राइट और ये फॉर्म क्या है प्लस से
लेकर ये माइनस का टर्म की ओर जाए, तो ये फॉर्म का कंडीशन जो है मैक्सिमम और ये क्या हुआ मिनिमम। अगर इसमें हम शॉर्ट में बताना चाहें कि अगर ये पोजीशन अगर डबल डिफरेंशिएट किया गया, जैसे देखिए डबल डिफरेंशिएट किया और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अगर फंक्शन जीरो से क्या जाए छोटा, तो ये मिनिमम का पोजीशन होगा, मैक्सिमम का पोजीशन होगा, क्या होगा मैक्सिमम का, राइट। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन अगर जीरो से बड़ा आ जाए तो ये मिनिमम का पोजीशन होगा मिनिमम। अब इसका हम एक एग्जांपल के साथ दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे कभी कभी कि थ्योरी थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, लेकिन वही चीज अगर एग्जांपल से हम समझाते हैं तो पूर्ण रूपेणा क्लियर होगा। लेकिन इसका पहले वर्किंग रूल दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। वर्किंग रूल क्या है देखिए, वर्किंग रूल फर्स्ट वर्किंग रूल फर्स्ट में जरा देखिएगा, f dash x equal to zero, इससे कुछ x का वैल्यू आएगा, उस x का वैल्यू को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, या फिर और हो गया क्या स्टेशनरी पॉइंट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं, राइट। तो इस टर्म को हम यहां लिख देते फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब इसमें जो है ना क्या इस क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा कि जब अगर हम डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट के बराबर जो करेंगे और उसके बराबर जीरो किया जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर और स्ट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट जरा लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, राइट। देखिए अब यहां पे सेकेंड पॉइंट में चेक फॉर डबल डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा आ जाए, अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो से क्या जाए बड़ा आ जाए, तो टर्म जो है कहलाएगा क्या मैक्सिमम, या मैक्सिमा कहलाएगा, राइट। लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो से क्या जाए छोटा, तो कहलाएगा नहीं, डबल डिफरेंशिएशन अगर जीरो से छोटा आ जाए, एक मिनट सॉरी, डबल डिफरेंस जीरो से अगर छोटा है तो हम जो है ना तब बोलेंगे मैक्सिमा, लेकिन अगर बड़ा आ जाए तो बोलेंगे मिनिमा, मिनिमा और छोटा है तो मैक्सिमा, राइट। और अगर जीरो के बराबर आ जाए, अगर टर्म क्या आ जाए जीरो के बराबर, तब यहां पे होगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब इसको बोल सकते हैं सेडल पॉइंट जिस पर डिफरेंशिएशन या डबल डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर आ जाएगा, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी यही तीन पोजीशन सामने जो दिखेगा और सामने लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा आ जाए तो मिनिमम का लाएगा, जीरो से छोटा आ जाए तो मैक्सिमम का लाएगा, जीरो के बराबर आ जाए तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का लाएगा, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट जो है बहुत सा टर्म के रूप में दिखता है, इसे हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा टर्म होता है, देखिए ग्राफ में कुछ हम टर्म ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जो भी मन में सवाल जो हो रहा है उस सवाल पूरा क्लियर हो जाए, राइट, तो ज्यादा बढ़िया हो। देखिए अब मैंने एक ग्राफ खींचा है, अब एक ग्राफ खींचा है जिसमें से इस ग्राफ में एक फॉर्म दिख रहा होगा कि यहां पे का एक फॉर्म है जिसका नाम ए देते हैं, और यहां पे का जो लास्टिंग पॉइंट है इसका नाम हम बी देते हैं, राइट। अब इसमें देखिएगा कि इसमें मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है, यहां से इंक्रीज करते हुए, और यहां पे का टर्म जो है मैक्सिमम का पोजिशन आया, राइट। फिर यहां भी क्या
यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है, यहाँ पे का पॉइंट जो आएगा मिनिमम आएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है और फिर यहाँ पे क्या मिनिमम जा रहा है, राइट। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो से अधिक भी मैक्सिमम कर रहा है, बहुत सारा मैक्सिमम करे और बहुत सारा मिनिमम भी करे, तब उस सिचुएशन में क्या कंडीशन होगा इसके भी जरा सुनिएगा। तो देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब जो मैक्सिमम और मिनिमम है, क्योंकि ये मैक्सिमम इससे भी अधिक जो है ये वाला है, तो और ये मिनिमम है और इससे अधिक मिनिमम क्या है ये है, ठीक है। और ये देखना है कि जिस पर स्लोप जो है जीरो का कंडीशन होगा, जिस पर स्लोप जीरो का होगा मतलब कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो करना है, तभी उसके पे एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, उसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसको हम स्ट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं, राइट। तो उसको स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं, राइट। तो उससे हम जो भी फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर जीरो करेंगे, उससे जो एक्स का वैल्यू आएगा वो टर्म जो है उसका मैंने चार चार नाम से इंडिकेट किया, पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट, तीसरा जो है टर्निंग पॉइंट और चौथा जो है स्ट्रीम पॉइंट, ये सभी एक्स का वैल्यू ही कहलाएगा, क्लियर। अब देखिए जो सबसे अधिक आएगा, जैसे ए और बी के जो दो पॉइंट है यानी दो इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच का जो सबसे अधिक आएगा वो जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा, और जो सबसे कम आएगा वो उसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे, ठीक है। और जो टर्म ये सब जो दिख रहा है ना इसको लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, जैसे मैंने ये जो आया लोकल लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम, और इसको भी क्या बोलेंगे लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट। तो ये हो गया टर्म जो कंडीशन जो सामने दिखा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे अधिक होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे कम होगा वो क्या होगा एब्सोल्यूट मिनिमम, और वो सब जो दिख रहा है उसके बीच जो टर्म होगा वो लोकल कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, राइट। चलिए तो हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर, तो ज्यादा बढ़िया होगा नोट किया जाए। देखिए मैंने यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, सामने दिख रहा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट किया गया एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और जो फंक्शन है जो डिफ्रेंशिएट किया उसके बराबर हम जीरो करेंगे, जीरो किया जाएगा। जब जीरो करेंगे तो इससे एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इससे एक्स का वैल्यू मेरा क्या निकलेगा जरा सामने यहाँ पे दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे आएगा थ्री एक्स स्क्वायर बराबर थ्री, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर वन, एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस वन, यानी एक्स को दो गो आया। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि जब एक्स को दो गो आ गया इसका हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट किया गया, देखिएगा एक्स इसका थ्री एक्स स्क्वायर का डेल्टा और सिक्स एक्स और थ्री का जीरो हो जाएगा, क्लियर। अब इस डबल डिफरेंशिएशन में एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स का। देखिए अगर एक्स डबल डिफरेंशिएशन में एक्स वैल्यू मैंने वन पुट किया, अगर वन पुट किया तो देखिए ये फॉर्म जो आया सिक्स आया, जो जीरो से क्या है बड़ा है। अगर जीरो से जब बड़ा है तो वो फॉर्म कहलाएगा फोर मिनिमम, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन जीरो से अगर बड़ा आएगा तो मिनिमम कहलाएगा, मिनिमम मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू है एट एक्स बराबर वन, और यही एक्स का वैल्यू जो वन है इसको हम पुट करेंगे कहां क्वेश्चन में, यानी फंक्शन में पुट करेंगे। तो ये टर्म जो है फंक्शन में पुट किया मेरा कितना होगा मिनिमम वो बताएगा। देखिए वन पुट किया, यहां भी वन पुट किया तो माइनस थ्री रह जाएगा और प्लस थ्री अर्थात वन आएगा मिनिमम, ये मिनिमम का आंसर कंप्लीट। और इसी में अगर हम डबल डिफरेंशिएशन में ही एक्स का वैल्यू एक और माइनस वन, माइनस वन पुट करते हैं तो सिक्स माइनस इंटू माइनस वन अर्थात माइनस वन, जो जीरो से क्या है छोटा है, अगर डबल डिफरेंस जीरो से क्या जाए छोटा जाए तो मैक्सिमम का जाएगा फोर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर माइनस वन, और यही माइनस वन हम फंक्शन में पुट करेंगे, माइनस वन कहां पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखिएगा फंक्शन में माइनस वन पुट किया, माइनस वन के पावर थ्री, थ्री माइनस वन और प्लस थ्री, तो ये फंक्शन आएगा माइनस वन प्लस थ्री और प्लस थ्री एंड सिक्स, यानी आएगा ये फाइव। तो
तो देखिए ये आ गया मिनिमम और ये आ गया मैक्सिमम जो सामने दिख रहा है, ये कंप्लीट आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट, अगर इसमें हम चाहते हैं इसका ग्राफ थोड़ा सा दिखाया जाए, ये है कि हम शॉर्ट में दिखाया था, जैसे देखिए एक्सिस है और ग्राफ दिखाना चाहते हैं, तो मान लिया अगर ऐसे पॉइंट आए इस तरह से आए, तो ये जो पॉइंट मान लिया यहाँ पे वन का पॉइंट है, माइनस वन का है, यहाँ पे क्या है वन का है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगा मेरा फाइव आएगा जो मैक्सिमम कर रहा है माइनस वन पे, और यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो वन आएगा जो मिनिमम कर रहा है राइट। तो ये शॉर्ट ग्राफ हम बना सकते हैं जो सामने दिखा प्रोग्रेस, क्लियर। चलिए हम और क्वेश्चन एक दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट जब किया गया तो यहां पे क्या आया 12x³ और यहां 12x² माइनस 24x और इसका जीरो आएगा। जो फंक्शन है उस फंक्शन के बराबर हम जीरो करेंगे उससे x का वैल्यू आएगा। पहले हम यहां x 12x कॉमन कर लेते हैं, तो यहां x² + x - 2 = 0 राइट। अब यहां पे इतना बराबर जीरो आ जाएगा और x² + x - 2 = 0 तो x² + 2x - x - 2 = 0 x कॉमन कर लेते हैं और यहां भी x + 2 = 0 तो x + 2 और x - 1 = 0 x वैल्यू आएगा 1 और एक आएगा -2 यानी x वैल्यू 0, 1 और -2। क्या -3 और 2 के बीच में आया है, तो -3 और 2 के बीच में सभी वैल्यू है राइट। तो ये सभी जो वैल्यू है यानी सभी वैल्यू एक एक करके हम पुट करेंगे क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरनल वाला टर्म है वो सभी पुट कर देते हैं, मान लिया -3 हम पुट करते हैं, तो -3 हम पुट करते हैं, -3 की पावर यहाँ पे 4 -3 की पावर 3 और 12 -3 की पावर 2 और यहाँ 12 वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 27,81 लगभग आएगा और आएगा 27 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -27 में 4 से 8 और 8 10 राइट। और फिर आएगा 9 एक मिनट ठीक है और +12 जो भी वैल्यू आ जाए इसका टर्म, क्लियर। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, देखिएगा इसका सॉल्यूशन करके मान लिया 39 आ जाए ठीक है। फिर हम देखिएगा कि 2 पॉइंट पुट करते हैं और 2 पुट करेंगे उसी क्वेश्चन में ही जिसका 44 आएगा, और अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं 0 तो 12 आएगा, और अगर हम वैल्यू पुट करते हैं क्या 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा कितना 3 आएगा 4 आएगा 12 आएगा +12 आएगा यानी आएगा 7 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं क्या एक -2 पुट करते हैं तो -2 पुट करते हैं तो 3 - 2 की पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 - 2 की पावर 3 और 12 - 2 की पावर 2 यहाँ पे 12। अब देखिए क्या आता है सोल्यूशन, देखिए -20 आएगा, -20 आएगा राइट। अब देखिएगा जो सबसे अधिक आया है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम आया एब्सोल्यूट मिनिमम का आएगा, बस इसमें ये है। तो इसमें सबसे अधिक आया है, सबसे अधिक आया है 44, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम राइट। इसमें डबल डिफरेंशिएशन कोई जरूरत नहीं है, जो सबसे छोटा आया एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम राइट। तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन, क्लियर। चलिए तो इतना ही, और बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ये बेसिक रहा, और नेक्स्ट क्लास में जो बताएंगे आपका डबल, यहां पे सिंगल वेरिएबल है लेकिन अगले बार अगले लेक्चर में बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम का डबल वेरिएबल जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर बीएससी मैथमेटिक्स में यूज है और एग्जाम में आते हैं राइट। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मैक्सिमम मिनिमम का नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है ना कुछ पढ़कर इंतजार करते रहिए, क्लियर।